बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ऑनलाइन लाइव ECM ट्रेनिंग। एक हमें ये क्लू मिला कि ये इम्पीडेंस इतना कम क्यों है। अब ये कैपेसिटर जोड़ा कहाँ से होता है? ये कैपेसिटर जोड़ा होता है हमारा CPU से। CPU की पिन करीब 80 के आसपास से जुड़ा होता है। यहाँ पर 36, 72 और ये 80 के आसपास जुड़ा होता है कैपेसिटर। अब और मिला कि इस इंजेक्टर IC की एक पिन होती है 60 पर। हमने देखा कि इसका जो इम्पीडेंस है, तो ये इम्पीडेंस आ रहा था करीब 20 के आसपास इम्पीडेंस था इसका। तो मैं बाकी सारे सेक्शन वर्क कर रहे हैं, सारी एक 48 वोल्ट तैयार नहीं हो रहा है, बाकी लगभग सारी चीज़ें सही हैं। इसमें सप्लाई ओके हैं, सप्लाई से बिल्कुल हम कंफर्म हो चुके हैं। इसमें शॉर्टिंग है, पिन नंबर एक तो 75 पर शॉर्टिंग है, 75 पर यहाँ पर, और दूसरी शॉर्टिंग यहाँ दिखा रही करीब 80-85 के आसपास में। एक बार और देख लें कि ये जो कैपेसिटर है, ये वाला, ये 80-85 से जुड़ा हुआ है, और ये जो पिन है ये 75 से जुड़ी हुई है। तो इन दोनों में शॉर्टिंग आ रही है और दोनों कनेक्शन CPU से। अब ये लग रहा है कि ये प्रॉब्लम CPU की ही है। जो IC है वो CPU का एक भाग है, इंजेक्टर IC, और दोनों आपस में लगातार कम्युनिकेशन करते रहते हैं। तो 48 वोल्ट में कभी ये IC जाती है तो कभी कभी CPU चला जाता है, कभी IC तो कभी CPU। तो फ़िलहाल हमने जो इस IC की जिन पिनों पर हमें डॉट था इंजेक्टर IC की डॉट, तो उनको हमने देख लिया, लेकिन शॉर्टिंग गई नहीं। आखिरकार ये प्रॉब्लम अब CPU की लग रही है हमें, और अब CPU को हटाते हैं और देखते हैं कि जल्दी ना करें। ठीक है, आराम से निकल गया है ये। इसे सेट से रखता हूँ और पहले तो इसे साफ़ करते हैं। ठीक है, पहले से साफ़ कर लें, साफ़ कर लेते हैं और देखते हैं कोई पिन आपस में। पिन आपस में शॉर्ट तो नहीं है, आपस में मिल तो नहीं रही हैं। सवाल ये था कि जो यहाँ पर शॉर्टिंग आ रही थी इस जगह पर, इस कैपेसिटर पर, क्या वो ख़त्म हुई या नहीं हुई, ये देखना है कि वो ख़त्म हुई या नहीं हुई, क्योंकि इसका कनेक्शन 85 के आसपास से था। ओके, ये शॉर्टिंग दूर हो चुकी है, ये शॉर्टिंग दूर हो चुकी है, देखिए, और यहाँ शॉर्टिंग नहीं है। पहले 18 आ रहा था। जो होता है वो CPU से जुड़ा होता है, ये किसी 3 वोल्ट सप्लाई से या इससे नहीं, ये CPU वाली लाइन से जुड़ा होता है। ऐसे सप्लाई CPU से मिलती होती है, तो CPU है नहीं, तो इस समय कोई इम्पीडेंस नहीं। पहले CPU शॉर्ट था तो था, और दूसरी बात CPU प्रॉब्लम थी। बार बार इस इंजेक्टर IC को चेंज करते रहते हैं और 48 वोल्ट नहीं बनते। एक्चुअल लोकेशन पे पहुंचना बहुत ज़रूरी है, थोड़ी सी कंपैरिजन करना ज़रूरी रहता है कि कंपैरिजन करें कि कहाँ प्रॉब्लम है। ढूंढना ही फॉल्ट को मेन है।